बराबर लगाओ यार, ठीक है भीड़ है, आप लोग बराबर बराबर निराश हो गया, पर थोड़ी देर में भेजते हैं जो है वो निरस्त कर दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि आप 11 बजे तक जो आपसे कागज मांगा गया था वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमने दो एफिडेविट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जोर जबरदस्ती मतलब अनलीगल तरीके से निरस्त किया गया है, जो एक सरेआम तानाशाही है, सभी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया। किसने दबाव बनाया, क्या वजह रही, क्या वजह रही, किसने दबाव बनाया दिया कि आप नौकरी से बर्खास्त है तो आपको चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। जब हमने कहा कि हम आपको सर्टिफिकेट पेश कर देंगे, हमने मेल भेज दिया, फैक्स भेज दिया, उसमें समय लगता है और वहाँ से आ भी गया है, लेकिन उन्होंने अभी ऑब्जेक्शन लगाया कि आप 11 बजे तक पेश नहीं कर पाए। दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया कि आपने जब फॉर्म भरा उसी टाइम पेश करना था, तो ये सब चीज़ें जानबूझ के साजिश रची गई है, और ये सीधा सीधा मोदी जी नहीं चाहते कि एक जवान या किसान गरीब का बेटा उनके सामने चुनाव लड़े और उनको हार गए, ये सीधा उन्होंने दिखा दिया। अब तेज बहादुर का क्या कदम होगा आगे, जैसे ही पार्टी निर्णय लेगी उसी से रणनीति बनाएगी, उसी हिसाब से क्या कोर्ट जाएंगे फैसले को देख लिया जाए। मनोज इधर करो फैसले को, मनोज मनोज।